विक्रम उर्फ पपला गुज्जर का गुणगान करते रागनी लिखकर रोहित सरधाना जी चर्चित हुए। रागनी लेखक रोहित सरधाना को क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 पुलिस ने पिस्टल व दो कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि उन्हें मुखबिर से रोहित सरधाना जी के पास से पिस्टल होने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार किया। उनके पास से पिस्टल व कारतूस बरामद कर आर्म एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच पपला गुज्जर के बारे में पूछताछ के लिए उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। असल में रोहित सरदाना जी ने कुछ दिन पहले लिखी थी बदमाशों का गुणगान करने वाली रागनी। पिछले साल पपला गुज्जर सहित अन्य बदमाशों का भी गुणगान करते हुए रोहित सरदाना की लिखी हुई एक हरियाणवी रागनी वायरल हुई थी। इसके बाद पुलिस को संदेह हो गया कि रोहित जी ने ही पपला को अपने पास शरण दी हुई है। क्राइम ब्रांच की सभी टीमों ने एक साथ गांव प्रहलादपुर में छापेमारी कर दी। तब पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था। हालांकि बाद में राजस्थान पुलिस ने दो दिन तक पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया था। पुलिस के पास ना तो पहले कोई सबूत था और ना ही अब कोई ठोस सबूत है। राजस्थान व हरियाणा के मोस्ट वांटेड है पपला गुज्जर। महेंद्रगढ़ हरियाणा के गांव खरोली निवासी विक्रम उर्फ पपला गुज्जर हरियाणा व राजस्थान के मोस्ट वांटेड है। हरियाणा व राजस्थान पुलिस ने पपला गुज्जर पर 5,00,000 रुपए का इनाम भी रखा हुआ है। हत्या रंगदारी जैसे मामलों में नामजद पपला कई सालों से पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 5 सितंबर 2019 को राजस्थान अलवर पुलिस ने गिरफ्तार कर बहरोड थाने में रखा था। हालांकि तब अलवर पुलिस अनभिज्ञता की पकड़ा गया युवक गैंगस्टर पपला है। सूत्रों के अनुसार पपला के साथियों ने AK-47 राइफल सहित अन्य हथियारों से बहरोड थाने पर धावा बोल दिया और उसे हवालात से छुड़ा कर ले गए। इसके बाद से पपला राजस्थान और हरियाणा पुलिस के आंख की किरकिरी बन गया है। उनकी गिरफ्तारी के लिए दोनों राज्यों की पुलिस दिन रात एक किए हुए है, मगर उनका कोई सुराग नहीं लगा। दोस्तों, सरधाना जी से जुड़ी है आज की अपडेट, जिसमें रोहित सरधाना को पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया है। इसमें रोहित सरधाना जी को फंसाया जा रहा है या फिर सच है, यह अभी किसी को नहीं पता। अगर इसमें रोहित जी को फंसाया जा रहा है तो इस बात का भी जल्दी पता चल जाएगा। दोस्तों, आगे की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।